हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यूके चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सेल के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर चौधरी साहब, जिस तरह से 2019 का जो मिशन चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि भाजपा दोबारा से आ रही है या कुछ चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो चाहे पार्टी हो, चाहे इंसान हो, चाहे देश हो, उसके सामने हमेशा बरकरार रहती हैं। और जब एक व्यक्ति काम करता है तो उसमें बहुत सारी खामियां निकाली जाती हैं। और भारत जैसे इतने विशाल देश को सेटिस्फाइड करना, मोदी क्या, हजारों मोदी भी पैदा हो जाएंगे तो शायद नामुमकिन होगा। इसलिए चुनौतियां हर क्षण पैदा होती हैं और 2019 में भी जबरदस्त चुनौतियां हैं। और वो चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि अगर आप अच्छा काम करना शुरू करें तो बुरा काम करने वाले आपको चुनौती अवश्य देंगे। तो वो उस प्रकार की चुनौतियां उनके सामने हैं और उनका सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो क्या आप समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं या मुश्किल रहेगी? जी, मुझे बहुत हद तक, मुझे तो 100%, लेकिन ये तय है कि मोदी सरकार यानी कि एनडीए सरकार की वापसी फिर से होगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस बार जो सबका साथ सबका विकास वाला जो मुद्दा है वो पीछे छूट गया है और बहुत सारे अन्य मुद्दे आगे पहुंच गए हैं, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, कभी भी विकास का मुद्दा पीछे नहीं छूटता, लेकिन क्योंकि और बड़े मुद्दों को लोग बहुत बड़ा बना लेते हैं इसलिए विकास के मुद्दे पर कम बात होती है। अगर विकास के मुद्दे पर बात हो तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की ये बात ना हो। विकास में आप बताइए, उस देश में जिसमें हमारी महिलाएं शौच करने के लिए बाहर जाती थी अब तक, उसमें 8 करोड़ शौचालय बनाना, कुल 12 करोड़, और उसमें से 7 करोड़ फ्री बिजली के कनेक्शन देना कि जिनसे माता और बहनों की आंखें खराब हो जाती थी, जिनसे माता और बहनों के फेफड़ों के कैंसर हो जाते थे, उस धुएं को बचाने के लिए जो उन्होंने किया है, जो 2.5 करोड़ मकान उन्होंने बनाए गरीबों के लिए, और उनका मिशन है 2024 तक या शायद 2022 तक के लगभग हर गरीब को जो है कुछ ना कुछ उपलब्धि उसकी जो मकान के बारे में हो वो कराई जाए। तो मैं समझता हूं कि विकास है तो बहुत, लेकिन जब चुनौती ही हिंदू मुस्लिम से देनी है किसी को, जब चुनौती ही दूसरी वजह से देनी है, तो वो घूम फिर के उसी पे ले आएगा। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है और अंत्योदय हमारा अंतिम लक्ष्य है। जब हम बाहर एक बहुत अच्छा काम करके आएंगे, जब हम पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला के आएंगे और उसको एक विषय ये बनाया जाएगा कि क्या ये सच है या गलत है, जब हमारी सेना पर सवाल उठा जाएंगे, तो मुद्दा विकास का बहुत पीछे रह जाएगा। और इसमें हमारा विपक्षी दल जो है वो भूमिका उसने अदा की है उंगली उठाने की, इसलिए आज वो मुद्दा शायद गौण है, वरना विकास पे बात होती और मोदी के विकास की बात होती। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में जो पिछली बार भाजपा ने 7 सीटें जीती थी, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो गठबंधन की राह बना रही है, हालांकि अभी सस्पेंस बरकरार है, तो आपको क्या लगता है भाजपा के लिए चुनौती नहीं पैदा होगी? बिल्कुल हो सकती है। और सस्पेंस तो आप ये देखिए ना, ऐसी तो हॉरर पिक्चर भी नहीं देखी जो सस्पेंस इन्होंने बना रखा है। हर दूसरे दिन एक दूसरे को गाली देना, 370 पन्नों की फाइल गले में रख के जिस शीला के अगेंस्ट लिए उसी के पैरों में लड़ना कि हमसे गठबंधन कर लो, किस प्रकार का गठबंधन है? गठबंधन नहीं, ये दो चोरों का, दो चोर पार्टियों का एक ईमानदार सेवक से बच के निकलने का एक तरीका है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि जनता सब जानती है गठबंधन से कुछ विशेष वर्ग के लोग बेशक संगठित हो जाएं, लेकिन जो देश प्रेम राष्ट्रवाद में जीने वाले लोग हैं वो मोदी के साथ संगठित होंगे और उनको जिताएंगे, और 7 सीट दिल्ली की हम भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। मुस्लिम समाज को साथ लाने के लिए आपके जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है और अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो इतना काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, ये क्या वजह है? असल में काम तो वो बहुत कर रहा है, लेकिन मुसलमान वर्ग को, हमारे को उस पर शक ही होता रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व का ही शक करते रहेंगे तो वो कभी भी हम आपस में करीब नहीं आ सकते। ये हम दोनों को सौहार्दपूर्ण माहौल पैदा करना पड़ेगा, हिंदू और मुसलमानों के अगर देश में अच्छा काम हो रहा है तो मुसलमान भी उतनी ही भागीदारी उस अच्छा तारीफ करने के लिए निभाएं जितना हिंदू निभा रहा है, और अगर कोई गलत काम देश में हो रहा है तो उसके लिए मुसलमान भी उसका उतना ही विरोध करे जितना कि हिंदू करता है। तो दोनों एक ही प्रकार के जो है, अगर काम करेंगे तो साथ मिलकर संगठित होंगे तो देश एक बनेगा। लोगों को कोई खास पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही पैगाम देना चाहता हूं, देखिए, राष्ट्रवाद की तरफ उठाया हुआ कोई भी कदम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए काम करना चाहिए। जो राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई काम हो रहा है उसके खिलाफ हमें उसका कदम उठाना चाहिए,
यही हमारा राष्ट्रवाद है। ये जरूरी नहीं कि कोई हिंदू ही बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है, ये जरूरी नहीं कही कि एक मुसलमान ही बहुत बड़ा आतंकवादी है। बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं इस देश में जो इस देश के लिए अपनी जान भी देने को आज भी मुसलमान तैयार है, लेकिन अधिकतर लोग किस प्रकार के, उससे हमारा समाज बदनाम हो जाता है। मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है, मेरी ये उनसे प्रार्थना है, मेरा उनसे ये हाथ जोड़ कर करबद्ध है कि इस सोच को हम बदलें, और अगर लोग हमें खराब कहते हैं तो उसे अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसमें स्टेप उठाएं और आगे बढ़े। हम सब भाई भाई हैं। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।